तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अब ये देखने वाला हूं कि अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है तो जो हमारा जो कॉनकेव जो लेंस जो होता है उसका नेचर चेंज हो जाता है, मतलब वो एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। तो इस कंडीशन को हम समझेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स, कॉनकेव लेंस आप किस तरीके से बनाओगे। जैसे मान लो वही प्रोसीजर है, बस एक पॉइंट रिवर्स करना है। बस मान लो आपने आपने 12 सेंटीमीटर की कोई लाइन ले ली एक्स वाई, तो उसका सेंटर, उसका जो मिड जो पॉइंट जो होगा उसको सी कंसीडर करोगे, ऑप्टिकल सेंटर। और दूसरा डियर स्टूडेंट्स, आप इसको कंपास को खोलोगे सी से वाई से सी तक, तो कितना होगा, सिक्स होगा। क्या होगा, सिक्स, क्योंकि ये 12 सेंटीमीटर की लाइन है, कितने की है, 12 सेंटीमीटर की है, तो ये क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। ये भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। तो आपको कंपास को खोलना है 6 सेंटीमीटर पहले, उसके बाद में आपको कंपास को क्या कर देना है, 6 से कम रखना है, 5 कर देना, 4 कर देना। मान लो आपने कर दिया 4 कर दिया, तो आप कंपास को वाई पॉइंट पर रखोगे और एक आर्क आप इस तरीके से लगेगी आपकी, और एक आर्क आपकी इस तरीके से लगेगी, ठीक है। तो आप लोग फिर आपको करना क्या है कि आपको इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। बट ये याद रखना है कि जितनी थिकनेस ऊपर होगी उतनी ही थिकनेस लेंस की क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, नीचे होगी, ठीक है। और आपके पास में क्या मिल जाएगा, आपको एक कॉनकेव लेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉनकेव लेंस मिलेगा। तो अब इसका हम नेचर देखेंगे कि इसका नेचर किस तरीके से चेंज होता है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए मेरे पास में एक, मैं अपने लिए बनाने के लिए आपको कर रहा हूं इसी को डायरेक्टली, बट आपको उसी रूल से आपको करना है जिस रूल से मैंने आपको आपको क्या बेटा बताए हुए हैं। तो ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया डियर स्टूडेंट्स, क्या हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये कॉनकेव लेंस हो गया। और ये हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई एक्स वाई, मैंने बनाने के लिए किया है, बाकी आपको वही करना है जैसे मैंने आप लोगों को बताया है बेटा। ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल होगा सेंटर सी। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो लेंस हमारा जो रहेगा वो एक हमारा एक रिरर मीडियम की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा, रिरर मीडियम की तरह। और अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो एक्ट करेगा किसकी तरह डियर स्टूडेंट्स, मीडियम एक्ट करेगा डेंसर मीडियम की तरह, ठीक है। अगर मान लो कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है डियर स्टूडेंट्स, इंफिनिटी पर है, उससे कोई रे ऑफ लाइट आ रही है इस तरीके से, मैंने उस पर कोई रे ऑफ लाइट डाली, ठीक है। तो इसके अंदर दो स्फेरिकल सरफेस होंगे, मैंने आपको बताया था कि लेंस के अंदर दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, दैट इज मैंने क्या मान लिया ए बी, और इसको मैंने मान लिया क्या पी क्यू, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट मैंने इंसिडेंट करी ए बी सरफेस पर। अब अगर ए बी सरफेस पर मैंने इंसिडेंट करी है तो आपको पता है कि डेंसर से जब रिरर मीडियम के अंदर जाएगी तो कहां की तरफ रिफ्लेक्ट होगी डियर स्टूडेंट्स, अवे फ्रॉम द नॉर्मल की तरफ रिफ्लेक्ट होगी। कहां होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इसके लिए मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब एक पहली चीज, इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए क्या देखोगे कि ये जो लाइट है वो किस स्फेरिकल सरफेस पर पड़ी है, इस वाले स्फेरिकल सरफेस पड़ी है ए बी पर। तो ए बी एक स्फेरिकल एक स्फेयर ऐसा था, तो इसका सेंटर कहां होगा, मान लो इसका सेंटर है ये है, इसका सेंटर मैंने मान लिया इसका सी वन। तो मैंने आपको क्या बताया था, स्फेयर के सेंटर से स्फेयर के सरफेस पर जो भी लाइन ड्रॉ करोगे वो जो लाइन जो होगी वो किसकी तरह एक्ट करेगी डियर स्टूडेंट्स, वो एक्ट करेगी किसकी तरह, एक नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी, किसकी तरह, नॉर्मल की तरह। तो कहां जाएगा मुझे बताओ, डेंसर टू रिरर, कहां जाएगा ये, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर मान लो मैं इसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर दूं तो ये लाइट ऐसे थी, और अगर ये ऐसे चली जाए तो नॉर्मल की टूवर्ड्स हो गई। बट हमें क्या करना है, डेंसर टू रिरर में क्या करना है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका मतलब ये लाइट हमारी इधर की तरफ क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। इधर की तरफ क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, ये रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। आपको दिख रहा है रिफ्रैक्शन, मतलब लाइट हमारी इस तरीके से गई, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
और उसका रिफ्रैक्शन हो गया इधर की तरफ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इधर की तरफ उसका रिफ्रैक्शन हो गया। अब रिलर से कहां जाएगी वो, डेंसर पर। रिलर से कहां जाएगी, डेंसर पर जाएगी। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं डियर स्टूडेंट, आपको सोच रहे होंगे कि सर ये डेंसर कैसे है। ये मान लो एक लेंस है हमारा, तो ये लेंस के दो साइड है ना, ये हमारा ए बी सरफेस है और ये क्या है, पी क्यू है, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि यहाँ एयर है तो यहाँ भी क्या होगी, एयर होगी, मतलब बीच में ही तो रखा हुआ है, यही तो रखा हुआ है, बाकी इधर जो मीडियम होगा उधर साइड में ही तो ये मीडियम होगा, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब क्या है कि ये डेंसर मीडियम है तो ये भी क्या होगा, डेंसर मीडियम ही होगा, क्योंकि दोनों साइड से डेंसर मीडियम है, मैंने मीडियम चेंज नहीं करा इधर साइड में कोई, ठीक है। तो ये डेंसर, तो ये डेंसर, तो डेंसर से जब वो रिलर में जाएगी, सॉरी रिलर से जब वो डेंसर में जाएगी तो कहां की तरफ इफेक्ट होती है स्टूडेंट, टू वाज द नॉर्मल की तरफ। कहां की तरफ इफेक्ट होती है, टू वाज द नॉर्मल की तरफ इफेक्ट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स अब मुझे इसके लिए क्या देखना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो ये जो लाइट जो फॉल जो हुई है ना आफ्टर रिफ्रैक्शन सरफेस से, वो पी क्यू सरफेस पर इंसिडेंट हुई है, पी क्यू सरफेस पर क्या हुई है, इंसिडेंट। तो इसके इस पॉइंट पर मुझे क्या डालना पड़ेगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका सेंटर कहां होगा, मान लो इसका सेंटर है, मान लीजिए इसका सेंटर है ये, दैट इज क्या है डियर स्टूडेंट, सी टू है, ठीक है। और इस पॉइंट से आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये जो लाइन जो होगी ना डियर स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी, क्यों, वो मैंने आपको भी बताया था कि बेटा अगर कोई स्फीयर है और ये स्फीयर का कोई सेंटर है, तो स्फीयर के सेंटर से अगर आप उसके किसी भी पॉइंट पर अगर कोई रेडियल या अगर कोई लाइन निकालोगे, रेडियल इस तरीके से लाइन अगर निकालोगे, तो वो जो लाइन जो होंगी ना डियर स्टूडेंट्स, वो ईच पॉइंट पर, एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस पर, अगर वहां पर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ होगा तो वो एक नॉर्मल की तरह क्या करेगी, एक्ट करेगी। तो ये नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये इसका सेंटर है, ये इसका सरफेस है, इस पॉइंट पर लाइन जो ड्रॉ करूंगा वो नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी। अब वो नॉर्मल की तरह एक्ट हो गई, रिलर से कहां जा रही है, डेंसर की तरफ जा रही है। तो लाइट हमारी कहां की तरफ रिफ्रैक्ट होगी डियर स्टूडेंट्स, लाइट हमारी रिफ्रैक्ट होगी डियर स्टूडेंट्स अब कहां की तरफ होगी, टुवार्ड द नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट होगी। अब टुवार्ड द नॉर्मल कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अगर मैं लाइट को ऐसे कर देता, तो लाइट तो हमारी ऐसे जा रही थी, और वो अगर ऐसे हो जाए, नॉर्मल ऐसे है और लाइट अगर ऐसे हो जाए, क्योंकि ऐसे थी, अगर वो ऐसे हो जाए और नॉर्मल ही था, तो वो अवे फ्रॉम द क्या हो गया, नॉर्मल वाली कंडीशन हो गई। बट यहां पर कौन सा मीडियम है, डेंसर, तो डेंसर मीडियम में जाएगी तो कहां होगी, वो टुवार्ड द नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट होगी। टुवार्ड द नॉर्मल की तरफ मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो लाइट जो होगी वो हमारी जो लाइट जो होगी डियर स्टूडेंट्स, वो इधर डायरेक्शन के अंदर क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, ये रिफ्रैक्ट होगी, इधर डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये रिफ्रैक्शन हो गया इधर की तरफ, टुवार्ड द कहां की तरफ डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल की तरफ हो गया, टुवार्ड द नॉर्मल की तरफ इसका रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर कोई रे ऑफ लाइट में इस सरफेस पर इंसिडेंट करूंगा तो वो भी इसी तरीके से रिफ्रैक्ट होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये लाइट ए बी सरफेस पर पड़ी है, तो इसके लिए मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक नॉर्मल। तो नॉर्मल कहां से ड्रॉ करूंगा, इस स्फीयर का सेंटर सी वन है, इस पॉइंट से क्या ड्रॉ कर दूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये लाइन नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी। तो मतलब ये नॉर्मल हो गया एक, दैट इज एन थ्री, दैट इज एन वन और दैट इज एन टू। तो अब ये कहां की तरफ रिफ्रैक्ट होगी, डेंसर टू कहां जा रही है, रिलर मीडियम के अंदर, तो कहां की तरफ रिफ्रैक्ट होगी डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे ऐसे रिफ्रैक्ट करूंगा तो ये कहां होगा, टुवार्ड द नॉर्मल हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट करना है। तो ये होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल की तरफ हमारी लाइट क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, ये रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है, क्या होगी, टुवार्ड द नॉर्मल की तरफ ये क्या होगी डियर स्टूडेंट्स हमारी, सॉरी अवे फ्रॉम द नॉर्मल की तरफ ये क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, ये रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। अब ये पी क्यू सरफेस पर फॉल हुई है, अब पी क्यू जो सरफेस है उसका सेंटर ये रहा, तो इस पॉइंट से आप क्या ड्रॉ कर दो, सबसे पहले एक
नॉर्मल ड्रॉप कर दें। ये समझाने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को, हालांकि इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सी लैंग्वेज में हम ये बोलेंगे कि जो हमारा जो कॉन्वेक्स जो लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, और जब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो, ज्यादा हो, और कॉनकेव लेंस, कॉनकेव जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव जब करता है जब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का अगर ग्रेटर देन हो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो अब ये कहां की तरफ रिफ्रैक्ट, अब ये रिफ्रैक्शन कहां की तरफ होगा इसकी मुझे बताओ, तो वो जा रही है रेलेटिव टू जा रही है डेंसर, तो रेलेटिव टू डेंसर जा रही है तो वो कहां की तरफ रिफ्रैक्ट होगी डियर स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर मैं ऐसे करूंगा तो लाइट ऐसे थी, अगर वो ऐसे होगा ये नॉर्मल ऐसे है और लाइट ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया, जबकि डेंसर मीडियम के अंदर जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल दैट इज इधर की तरफ वो हमारी क्या हो जाएगी लाइट डियर स्टूडेंट्स रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और लाइट का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स कन्वर्जन हो जाएगा, क्या हो जाएगा कन्वर्जिंग हो जाएगी लाइट, क्या हो जाएगी कन्वर्जिंग बाय यूजिंग द कॉनकेव लेंस। तो आज की क्लासेस में मेरा डियर स्टूडेंट्स मोटिव ये था कि जो हमारे जो कॉनकेव जो लेंस और जो कॉन्वेक्स जो लेंस होते हैं उनका नेचर चेंज हो सकता है अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो डियर स्टूडेंट्स ज्यादा हो, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो कॉनकेव जो लेंस है वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है, और कॉन्वेक्स लेंस हमारा बिहेव करता है डियर स्टूडेंट्स कॉनकेव लेंस की तरह। अगर ये वाली कंडीशन आ जाए ना NL ग्रेटर देन NM, तो याद रखना लेंस की नेचर चेंज नहीं होगी। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा हो जाए मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना नो चेंज इन द नेचर ऑफ लेंस, नो चेंज इन द नेचर ऑफ लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस ही रहेगा और कॉनकेव लेंस ही रहेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मतलब नेचर चेंज नहीं होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। बट एक कंडीशन ये जरूर होगी कि जो हमारा जो कन्वर्जिंग जो लेंस जो था ना वो पहले के कंपेयर में ज्यादा कन्वर्ज करेगा लाइट को, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमने क्या कर दिया है बढ़ा दिया है। वैसे ही कॉनकेव लेंस पहले के कंपेयर में अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ गया है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना वो पहले के कंपेयर में वो कैसा करेगा लाइट को डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा डाइवर्स करेगा, मतलब मोर क्या हो जाएगा मोर डाइवर्जेंट हो जाएगा कौन सा लेंस कॉनकेव लेंस, ठीक है, और मोर कन्वर्ज हो जाएगा हमारा कौन सा लेंस स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स लेंस, बट उसकी नेचर चेंज नहीं होगी, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसलिए आप लोगों को ये करा रहा हूं, पिछली क्लास में मैंने ऐसे अधूरे छोड़ रखे थे बेटा, तो ये आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करें। एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर मान लो आपका लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो, ठीक है, और ये हमारा मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है और हमने इस पर कोई ले ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट करी है और ये कंडीशन अगर ओबे हो रही है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम होते हैं तो वहां पर लाइट की स्पीड चेंज नहीं होती। अगर लाइट की स्पीड चेंज नहीं होगी, चाहे वो लाइट ऑब्लिकली ही क्यों ना फॉल करी गई हो, उसका कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। रिफ्रैक्शन होने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज होना जरूरी है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर चेंज होगा तो लाइट की स्पीड चेंज होगी, और अगर वो लाइट ऑब्लिकली फॉल करी गई है तो वो लाइट हमारी क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। तो ये इंसिडेंट लाइट, ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, और ये हमारी कौन सी लाइट होगी डियर स्टूडेंट्स इमरजेंट लाइट होगी। क्या डायरेक्शन चेंज हुई है इमरजेंट लाइट की इंसिडेंट लाइट के कॉरस्पॉन्डिंग में? नो सर, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, उसका कोई भी डेविएशन नहीं होता। अब कह रहे होंगे कुछ बच्चे सर ये तो डायग्राम बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, ये डायग्राम सर तो ये तो एक घंटे लगेंगे, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं बेटा, जब भी आप ये डायग्राम बनाओगे ना तो मैं आपको बता देता हूं सिंपल सा काम करना है,
कि अगर मान लो मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर ज्यादा है तो आपको कुछ नहीं करना, कॉन्वेक्स लेंस बनाना है इस तरीके से, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और यहां पर एक लाइन खींचनी है, एक्सिस बनानी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी एक्स वाई, ये इसका होगा सेंटर सी। अगर ये कंडीशन है तो लाइट को इस यहां तक ड्रॉ कर फॉल करोगे यहां तक, तो एक ही बार आपको रिफ्लेक्शन कराना है और 10 सिर्फ और सिर्फ आपको लाइट को इधर आपको क्या करा देना है, उसको डाइवर्स करा देना है, ठीक है। वो समझाने के लिए मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड लिया हुआ था, अगर मैं इसको लेता तो क्या आप इस चीज को समझ नहीं पाते बेटा, ठीक है। तो मैंने ये आपको समझाने के लिए ऐसा किया था वो वाला, तो ये ऐसे बना देना आपको सिंपल बन जाएगा ये। वैसे ही कॉनकेव लेंस में आपको करना है, ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो ये एक्सिस, ठीक है, ये वर्टिकल, ये एक वर्टिकल एक्सिस है और ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और उनका जो इस एक्सिस का इंटरसेक्शन और इस एक्सिस का इंटरसेक्शन जहां पर होता है वो ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो आपको क्या करना है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट यहां तक करा देनी है यहां तक, ठीक है, ठीक है बेटा। अब यहां से इसका रिफ्लेक्शन कराना है, कहां कैसे रिफ्लेक्शन कराओगे इस कंडीशन में, लाइट हमारी क्या होगी स्टूडेंट्स, कन्वर्ट होगी। जब हमारा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि सर ये डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये डायग्राम सिंपल हो जाते हैं। हम एक यहां पर एक एक्सिस, यहां पर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर सी से पास होती हुई एक एक्सिस एक लाइन पास कराते हैं और यहां पर एजम्पशंस करते हैं कि इस एक्सिस पर हमारा जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है वो लेंस का क्या है, मैक्सिमम है। इसलिए हम यहां से इस एक्सिस से ही क्या कराते हैं, इसका हम रिफ्लेक्शन कराते हैं, इससे और इस वाले सरफेस से नहीं कराते, हम यहीं से इसका रिफ्लेक्शन करा देते हैं, ये हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। अगर मैं इस वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन कराऊं, इस वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन कराऊं, तो मुझे नॉर्मल भी ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और इसलिए कन्वीनियंट करने के लिए हम एक यहां पर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उस लाइन से ही हम क्या करा देते हैं, लाइट का रिफ्रैक्शन दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, रिफ्रैक्शन। वैसे ही मान लो अगर हमारा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है तो जो हमारा जो कॉन्वेक्स जो लेंस है वो कॉन्वेक्स ही रहेगा, ठीक है, ठीक है बेटा। बट ये ज्यादा कन्वर्स करेगा। अब आपको कैसे करना है, इसको कैसे दिखाना है, ये ऐसे रे ऑफ लाइट डाली यहां तक डालोगे, उसके बाद में आप लोगों को क्या करा देनी है, इससे कन्वर्स कराने, ठीक है। वैसे ही जो हमारा जो कॉनकेव जो लेंस है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये लाइन सी एक्स वाई, ये लाइन मैंने ड्रॉ करी, एक वन रे ऑफ टू रे ऑफ लाइट डाली पैरेलल में, तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहां से इसका क्या दिखा दो, रिफ्रैक्शन दिखा दो। जैसे ये कब कंडीशन है, जब हमारा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा हो, तो नो चेंज इन नेचर, कॉन्वेक्स लेंस बिकम्स कॉन्वेक्स बट मोर कन्वर्स, कॉनकेव लेंस बिकम्स कॉनकेव लेंस, नो चेंज इन नेचर बट इट बिकम्स मोर डाइवर्जेंस। बट इन दिस कंडीशन, इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन द नेचर ऑफ द लेंस इज चेंज, इट बिकम्स क्या हो गया, इट बिकम्स डाइवर्जिंग, इट बिकम्स डाइवर्जिंग लेंस, और इट बिकम्स कन्वर्जिंग लेंस, ओके। बट इन दिस कंडीशन देयर इज नो रिफ्रैक्शन, लाइट गो स्ट्रेट, ठीक है बेटा। तो ये चीज याद रखना आप लोगों को। तो बेटा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इन वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच करेंगे, आप डोंट वरी, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे, आसान हो जाएंगे इस तरीके से हम बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बेटा स्कूल का तो अभी कुछ पता नहीं है, कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे, अगस्त का भी कोई कंफर्म नहीं है, अभी जुलाई का भी कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि कोरोना के जो केसेज हैं वो डेली बढ़ते जा रहे हैं बेटा। ये अगर हमारे सैचुरेट भी हो जाते
और वो अगर ग्राफ उसका अगर डिक्रीज आता तो हो सकता था आपकी जुलाई अगस्त में क्लास स्टार्ट हो जाती, बट मुझे अभी नहीं लग रहा कि आप लोगों की जुलाई में भी क्लास स्टार्ट हो, अगर मे बी अगस्त में हो, मे बी सेप्टेम्बर में भी हो सकती है, बट आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ में है बेटा, आपकी पढ़ाई का हम बिल्कुल भी लॉस होने नहीं देंगे, ठीक है बेटा। आप अगर हमारे साथ में साथ दोगे तो बेटा जैसे हम पहले टॉप करते आ रहे थे उसी सिचुएशन से, उसी ग्राफ को हम फॉलो करते हुए अच्छे मार्क्स से आगे बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स थैंक यू, डियर स्टूडेंट्स लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें डियर स्टूडेंट्स, शेयर करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, ओके।